हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए ये डिज़ाइन है सिंधी वर्क में। ये ब्लाउज़ का बाजू है, उस पर हमने ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। यहाँ से नीडल को निकालेंगे, ऊपर धागा और नीचे में नीचे, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं। फिर यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे नीचे, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, इसी तरह के प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैं यहाँ तक आकर आपको दिखाती हूँ। अब हम लौटेंगे, ये फर्स्ट राउंड हो गया। सेकंड राउंड के लिए यहाँ पे मेरा धागा ऊपर, यहाँ पे भी ऊपर, यहाँ पे हम नीचे हो जाएंगे। यहाँ पे मेरा धागा नीचे रहेगा, क्योंकि देखिए इस साइड के जो सभी धागे हैं नीचे नीचे हैं, ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, इसलिए फिर अब इस साइड के धागे नीचे रहेंगे और इधर में सभी ऊपर रहेंगे। तो ये नीचे हो गया और यहाँ पे मेरा धागा ऊपर रहेगा। यहाँ पे नीचे होने का कारण हुआ, देखिए इस तरह से मिलाइएगा सेटिंग। यहाँ ये धागा ऊपर है तो इसको नीचे होना चाहिए, और अब हम इस तरफ आएंगे तो ये धागा, ये वाला धागा ऊपर हो जाएगा। और फिर इसे नीचे कर लेंगे। तो देखिए ये नीचे हो गया, ये ऊपर, यहाँ देखिए ये ऊपर, फिर ये नीचे, ये ऊपर। इसी तरह से हम फिर चलते हुए, देखिए फिर यहाँ ऊपर, फिर यहाँ नीचे। अब ये वाला बॉक्स बनाना है तो इस कॉर्नर को ले लेंगे, तो ये भी कॉर्नर मेरा ऊपर ही रहेगा। फिर ये कॉर्नर है, इस ये कॉर्नर भी ऊपर रहेगा। यहाँ भी ऊपर रहेगा, ये नीचे, यहाँ ऊपर। तो इसी तरह से मैं आपको यहाँ तक आकर दिखाती हूँ। ये ऊपर, यहाँ पे नीचे हो जाएंगे। यहाँ पे मेरा धागा ऊपर रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ से मिलाइएगा आप सेटिंग। ये नीचे है, ये धागा ऊपर है, तो यहाँ पे फिर मेरा धागा नीचे होगा, तो हमें इसको ऊपर रखना है। ये ऊपर रहेगा। अब यहाँ पे मेरा धागा नीचे होगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये नीचे हो रहा है ये धागा, तो यहाँ पे जो आएगा धागा सो ऊपर होगा और ये धागा नीचे होना चाहिए, इसलिए ये नीचे है। इसी तरह से जितने भी कॉर्नर हैं सभी कॉर्नर पे मेरे धागे नीचे नीचे चलेंगे। नीचे, फिर यहाँ भी नीचे, ये कॉर्नर है, यहाँ भी नीचे, यहाँ पे धागा ऊपर रहेगा, फिर
फिर यहाँ ये कॉर्नर है, यहाँ भी नीचे ले लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, नीचे ऐसे करके और फिर यहाँ नीडल डाल के तब नीचे कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा जल्दी होने के लिए इस तरह से धागे को इधर करके और यहाँ से इस तरह से नीडल कर देती हूँ। तो देखिए ये धागा नीचे हो जाता है, यहाँ पे ये ऊपर रहेगा। फिर अभी इस कॉर्नर आ गए, यहाँ पे भी मेरा धागा नीचे रहेगा। यहाँ भी नीचे, यहाँ भी नीचे, यहाँ ऊपर और यहाँ पे नीचे होंगे, नीचे से निकलेंगे, मिलाएंगे सेटिंग यहाँ से। देखिए ये ऊपर हो गया, ये धागा नीचे हो गया, ये धागा फिर ऊपर हो गया, फिर यहाँ पे इसको नीचे कर देंगे। इसमें एक ऊपर और एक नीचे का सेटिंग बैठता है। यहाँ देखिए ये नीचे हो गया, यहाँ पे ऊपर रहेगा, यहाँ पे मेरा धागा ऊपर हो गया। ये ऊपर रहेंगे, यहाँ ऊपर, यहाँ पे नीचे हो जाएंगे, यहाँ पे ऊपर रहेगा, फिर यहाँ पे ऊपर, इसी तरह से चलना है। यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, यहाँ भी ऊपर, यहाँ भी ऊपर, यहाँ पे नीचे, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, अब ये बॉक्स है, थ्री बॉक्स है, इसे करना है। तो यहाँ पे देखिए इस धागे को अब हम देखेंगे कि इसे हमें कहाँ रखना है, ऊपर या नीचे। तो देखिए ये नीचे हो रहा है, ये ऊपर हो रहा है, यहाँ पर जो धागा रहेगा सो नीचे होगा, तो इसे हमें ऊपर रखना है। यहाँ पे धागे को हम नीचे रखेंगे, क्योंकि देखिए ये नीचे है, यहाँ पे ऊपर होगा तो ये नीचे रहेगा। फिर यहाँ भी नीचे, और यहाँ भी नीचे, ये ऊपर, यहाँ नीचे, ये ऊपर। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम फील करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे, और इसके बाद में सेकंड पार्ट में आपको इसे फील करना बताऊंगी। तो यही है मेरा आज का वीडियो। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।